बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास 2 से 3 क्लासे लूंगा मैं इस पे आपकी। रिलेटिवली तो ये आसान टॉपिक है कंसीडरिंग जो पीछे मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी था। अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ हमें बेसिक पहले 2-3 चीज़ें समझनी है। अच्छा अब उन बेसिक चीज़ों में क्या है कि अगर मेरे पास ये कार्बन लिखा हुआ है एन एफ आई राइट 12 हेयर एंड 6 ओवर हेयर, तो इसका मतलब होता है मास नंबर। ये आप चीज समझते होंगे, इसको मास नंबर बोलते हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रोटॉन नंबर, या कभी कभी इसको एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अगर आप मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 6 जो आ जाता है वो कहलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा पूरे चैप्टर में मैं पी का मतलब प्रोटॉन लिया करूंगा आगे तक भी अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, और ई का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लिया करूंगा आगे तक की बात कर रहा हूँ, और एन का मतलब मेरे केस में हमेशा न्यूट्रॉन हुआ करेगा। अच्छा तो अगर मैंने ये कार्बन लिखा है तो कार्बन के टॉप और बॉटम के ऊपर, टॉप और बॉटम के ऊपर मैंने ये मास नंबर और नीचे ये प्रोटॉन नंबर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है अगर मैं कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करूं, तो कार्बन का बीच में तो होगा एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके बाद जो है वो शेल्स होंगे डेफिनेटली, ये आप सबको पता है। बेसिक सी बस एक आइडिया देना मेरा काम है, वैसे केमिस्ट्री में आप ये चीज़ें सारी जानते होंगे। और शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो हर एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, ये आपको पहले से पता होगा। एवरी एटम हैज अ सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंटेन्स, ये भी आपको पता होगा पहले से, न्यूक्लियस कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अच्छा अब देखें, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे आपको, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, P4 प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ये भी हमें पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, ये भी आपको पता होगा, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और ओवरऑल क्या होता है, किसी भी गैशियस एटम या न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। अच्छा एक दो बातें और जरा फैक्चुअल हैं, याद होनी चाहिए आपको कि प्रोटॉन का जो मास होता है ना, किसी भी एटम के अंदर जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल, यानी कि बहुत लाइट होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत हल्का होता है। तो आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल है। अच्छा एक दो बातें मैं और यहाँ पे आपसे बोल दूँ कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बट इट कंटेन्स ऑलमोस्ट
ऑल द मास ऑफ द एटम, ऑल द मास ऑफ द एटम। बेटा देखें ये बात समझने वाली है कि अगर एटम जो है ना बेटा 10 किलो का है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एटम का मास जो है ना वो 10 किलो है, तो आप याद रखिएगा 9.99 kg मास उसके न्यूट्रॉन का होगा, सॉरी न्यूक्लियस का होगा। तो न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है वो आपका ऑलमोस्ट जो है मास ऑफ एटम के बराबर होता है, यानी ज्यादातर एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर एटम 100 किलो का है तो 99.99 kg मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है मगर उसमें एटम का ज्यादातर मास मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा मास अगर होगा तो न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा हमारे पास। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा याद रखिएगा कि किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कभी कभी न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं हम लोग ना अक्सर इसको। तो देखिए बेटा ये वाली बातें कुछ क्लियर हुई आपको, बहुत आसान थी, कुछ बातें की हैं मैंने, मास नंबर का आपको आइडिया दिया है, प्रोटॉन नंबर का आइडिया दिया है, और इसके साथ साथ मैंने ये बताया कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस होता है, छोटा होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा इसके साथ अगर हम कुछ एडिशनल नॉलेज सीखना चाह रहे हैं, सारी इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो वो ये है कि देखें आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ X40 यानी कोई X एलिमेंट है उसका जो मास नंबर है वो 40 है, उसका जो मास नंबर है वो 40 है, और कोई X एलिमेंट है उसका मास नंबर 41 है, और कोई और X एलिमेंट है उसका मास नंबर 42 है, तो इनको क्या बोलेंगे, अगर ये क्या कहलाएंगे केमिस्ट्री की टर्म्स में, आप लोग इनको क्या बोलते थे, हाँ भाई क्या बोलते हैं इनको केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं इनको, आइसोटॉप्स, एग्जैक्टली आइसोटॉप्स कहलाएंगे, आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर of protons but different number of neutrons। अच्छा अगर neutrons निकालेंगे तो 40 minus 20, तो इसमें neutrons 20 है, इसमें 41 minus 20, तो इसमें जो neutrons है वो 41 minus 20, तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 21 है, और इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 22 है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हों, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, प्रोटॉन नंबर सेम हो, तो उनको आइसोटॉप्स कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और फिजिक्स में भी इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने छोटा सा आपको जो है वो एक ओवरव्यू दिया है कि हमारे पास जो है वो किस हिसाब से ये चीजें चल रही होती है, ठीक है। अच्छा अब
इसके अंदर और क्या मिलेगा आपको आगे आगे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। अच्छा, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर सवाल आते हैं भाई, अच्छे खासे इस पे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, इनफैक्ट पेपर टू में भी आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें ज्यादा मत समझिएगा, बस जितना समझाऊं उतना समझ लीजिएगा। मेरे पास ना एक गोल्ड फॉइल है। व्हाट आई हैव अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब है थिन शीट ऑफ गोल्ड है, थिन शीट ऑफ गोल्ड है ये। अच्छा, आपने क्या किया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया। अब आपको तो पता ही नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये आगे जाके अभी और सीखेंगे इसके बारे में। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो हम इस पे थ्रो कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं ये। तो अल्फा पार्टिकल्स को मैंने इस साइन से शो किया है, तो अल्फा पार्टिकल्स मैंने इसके ऊपर थ्रो किए। ये दो चार नहीं होते, हजारों के हिसाब से होते हैं। तो वी आर थ्रोइंग द अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, और बीच में वैक्यूम है ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना निकल जाए कहीं टकरा के एयर मॉलिक्यूल्स से। वेल, व्हेन यू थ्रो द अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स रीच गोल्ड फॉइल दे इंटरैक्ट विथ गोल्ड एटम्स, दे इंटरैक्ट विथ गोल्ड एटम्स। गोल्ड के एटम्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। अच्छा, अब डेफिनेटली गोल्ड फॉइल में बहुत सारे गोल्ड एटम्स होंगे, बहुत सारे होंगे ना, मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों गोल्ड के एटम्स होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक गोल्ड का एटम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक। बेटा मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक गोल्ड का एटम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का एटम ड्रॉ किया है, कर रहा हूँ इनफैक्ट अभी। ये आ गया गोल्ड का एटम, ये एक गोल्ड का एटम है। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा क्यों बनाया, तो भाई देखें सिर्फ समझाने के लिए, और इसके बीच में मैंने क्या बनाया, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि एटम बहुत बड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। किताबें पढ़ेंगे तो किताब में लिखा हुआ होता है कि इफ गोल्ड इज अ फुटबॉल, सॉरी एटम इज अ फुटबॉल स्टेडियम, तो न्यूक्लियस इज लाइक अ फुटबॉल इन द फुटबॉल स्टेडियम। यानी इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, यानी एटम ओवरऑल बहुत बड़ा होता है मगर उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत थोड़ी सी जगह में होता है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने गोल्ड का एटम ड्रॉ किया है, गोल्ड एटम एक ड्रॉ किया है सिर्फ, वन गोल्ड एटम, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं ना, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड में से, गोल्ड फॉइल में से सीधे पास कर जाते हैं, नजर आ रहे हैं, ये देखें सीधे सीधे पास कर रहे हैं। ज्यादातर गोल्ड एटम्स जो हैं वो सॉरी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड एटम्स में से या गोल्ड फॉइल में से सीधा पास कर जाते हैं, दे पास वेरी वेरी स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड एटम्स वेरी वेरी स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड एटम्स वेरी वेरी स्ट्रेट। क्यों क्यों पास कर रहे हैं, सीधा सीधा क्यों पास कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा, most of the alpha particles pass through the gold foil or gold atoms straight as most of the atom is empty।
एज मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर एटम खाली होता है और न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. इससे हमें पता लगता है कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. अच्छा और क्या है, देखें वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के क्लोज पास करते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो न्यूक्लियस से करीब से पास करते हैं ना वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. अच्छा क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, तो आपके कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड एज न्यूक्लियस, एज न्यूक्लियस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, एज न्यूक्लियस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज रिपेल देम, उनको रिपेल कर देता है न्यूक्लियस. तो इससे हमें कंफर्म क्या हो गया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है. अच्छा बहुत कम अल्फा पार्टिकल यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आई मस्ट से लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दोज हु कोलाइड द न्यूक्लियस बाउंस बैक, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक करते हैं. यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स bounced back as the nucleus is very dense. क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होता है. तो बेटा याद रखिएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमें क्या पता चला अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव का भी कंफर्म हो गया, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंड डेंस पार्ट ऑफ एटम. ये हमें बातें कंफर्म हुई हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद. हाँ भाई देखें जरा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें. जी बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन किसी का इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से, एहसान, अनाया, अजान, हानिया, लाइबा, किरत, साद, कोई सवाल इसमें, वरीशा, जुरैस, जुनैद, बेटा ये हाइफा आप आइए लाइबा के नाम से, लाइबा के नाम से कौन है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात. अच्छा अब देखें इसमें आपको मजीद क्या सीखना है.
मजीद एक कॉन्सेप्ट, खैर क्या बोलेंगे इसमें, बस ये रेडियो एक्टिविटी के नाम से ये चैप्टर बदनाम हुआ हुआ है फजूल में, जबकि इसमें रेडियो एक्टिविटी के नाम की कोई चीज़ ऐसा सच है नहीं खास। अच्छा रेडियो एक्टिविटी हमने थोड़ा सा सीखना है। अच्छा देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा देर आर मैनी एलिमेंट्स, ऐसे ही ना 114 है, पता नहीं 118 है, कितने हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे हैं। तो देर आर मैनी केमिकल एलिमेंट्स, देर आर मैनी केमिकल एलिमेंट्स, आउट ऑफ देम few elements or their isotopes emit unseen radiations such as gamma का सिंबल लिख रहा हूं, such as gamma radiations and particles such as alpha or such as alpha beta का सिंबल भी लिख देता हूँ। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्या है बस आपने याद करना है इसको, कॉन्सेप्चुअल कोई खास इसमें चीज है ही नहीं। मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस है एक्स, तो इसमें से होता क्या है कि अनसीन रेडिएशंस और पार्टिकल्स निकलने लगते हैं एक्स एलिमेंट में से, जैसे अल्फा गैमा और बीटा निकलने लगा। जरूरी नहीं है कि तीनों निकले एक साथ, ये भी जरूरी नहीं है, गैमा तो लाजमी निकलता ही है, बीटा और अल्फा में से कोई एक निकल गया तो भी ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहलाएगा। तो इस एक्स सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सो एक्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है जी, रेडियो एक्टिव अल्फा, सर अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, अभी बताता हूँ अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए बेटा आप बस ये याद रखें कि आपके पास केमिस्ट्री में ना पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से क्या अनसीन पार्टिकल्स और रेडिएशंस निकालने लगते हैं, पता नहीं क्यों फालतू में निकालने लगते हैं, बस अपने अंदर से अल्फा बीटा और गैमा जो है वो इमिट करने लगते हैं। इस प्रोसेस को, इस इमिशन को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, अच्छा अब रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से अनसीन रेडिएशंस और पार्टिकल्स इमिट करने लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अच्छा ये रेडियो एक्टिविटी क्यों करते हैं, मतलब क्या वजह होती है, वो हमें इतना जाननी नहीं है, बस इतनी याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडियो एक्टिविटी क्यों करते हैं, रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स क्यों करेंगे, रेडियो एक्टिविटी is done by unstable elements to gain relatively
रिलेटिवली स्टेबल स्टेट, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये पार्टिकल्स उसमें से इजेक्ट होते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि रेडियो एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, दो तीन बातें और याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। क्या कहेंगे हम लोग? रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या होगा? ये सवाल आता है पेपर में, रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस होता है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अगर ये एक्स सब्सटेंस अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा है तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या ज्यादा निकालेगा, अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा रेडिएशंस निकालेगा क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो क्या ज्यादा निकालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भले चेंज करते रहे, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, which means it does not depend upon, it means it does not depend upon the external factors such as टेम्परेचर और प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस पे एक रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितनी स्पीड से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप भले सर फाड़ लें अपना, कितना भी आप जो है वो उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, नथिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम, रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम। अच्छा जी, दूसरी चीज हमने क्या लिखनी है इसमें, रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम प्रोसेस। रैंडम का मतलब ये है कि अगर किसी सब्सटेंस में से 500 काउंट्स यानी कि 500 रेडिएशंस निकल रही हैं इन वन मिनट या इन वन सेकंड, 500 इमिशंस हो रही हैं इन वन सेकंड, तो क्या 2 सेकंड में 1000 होंगी या फिर 3 सेकंड में 1500 होंगी? तो ऐसा नहीं है, यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस टाइम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम इन नेचर, आप लिख लिएगा इसमें रैंडम इन नेचर, एज नंबर ऑफ इमिशंस डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो अगर पहले 1 मिनट में 100 रेडिएशंस निकल रही हैं या 100 पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो 2 मिनट में 200 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2 मिनट में एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हो सकता है कि 2 मिनट में कुछ भी ना हो। तो मतलब ये बड़ा रैंडम सा प्रोसेस है, मतलब इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि कब किस वक्त कितनी रेडिएशंस निकलेंगी और टाइम पे इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसकी। अच्छा, अब हमें कैसे कंफर्म होगा कि प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ? तो देखें, उसको जानने के लिए हमें एक डिटेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। देखें, एक तो होता है हमारे पास काउंटर, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, काउंटर होता है अ डिजिटल डिस्प्ले, और इसके साथ एक प्रॉब कनेक्टेड होती है, एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, और इस ट्यूब का नाम होता है गीगर म्यूलर
ट्यूब। अच्छा अब देखें होता क्या है कि ये जो है ना गीगर मिलर ट्यूब जो है सेंसर है, ये सेंसर है एक तरह का, सेंसर ऑफ रेडिएशंस, यानी कि एनवायरनमेंट में या अगर कहीं पे अल्फा बीटा गामा प्रेजेंट है तो ये सेंस कर लेगा। और ये क्या है, काउंटर ये डिस्प्ले कर देता है ना, जितना ये सेंस करेगा उतना ही डिस्प्ले करेगा। अच्छा अभी आपने क्या किया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्लेस नहीं किया जीएम ट्यूब के पास, गीगर मिलर ट्यूब के पास, और आपने काउंटर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे काउंट फिर भी लिखा हुआ आ रहा है 50। अच्छा फिर आपने क्या किया कि ये जो काउंटर है, फिर आपने क्या किया, ये जो काउंटर है जो कि किससे कनेक्टेड है, सेंसर से कनेक्टेड है जो कि रेडिएशन को सेंस कर लेता है, आपने जीएम ट्यूब के पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। अच्छा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फेमस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बेरिलियम है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने इस जीएम ट्यूब के पास रख दिया, तो आपके पास जो भी रेडिएशन होंगी वो ये सेंस करेगी जीएम ट्यूब, और फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा जैसे 1050 आ गया। तो अब सब्सटेंस की वजह से एक्चुअल काउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, एक्चुअल काउंट ऑफ सब्सटेंस कितना आ रहा होगा, बहुत इजी है, एक्चुअल काउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए आपने 1050 में से माइनस कर दिया 50, तो 1000 काउंट्स या 1000 रेडिएशंस आपकी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से आ रही है। और ये 50 क्या है, ये जो 50 है ये एनवायरनमेंट की वजह से है, सराउंडिंग में से है, सराउंडिंग में रेडिएशन थी इतनी, सराउंडिंग की रेडिएशन है ये, सराउंडिंग की रेडिएशन है। तो ये जो सराउंडिंग की रेडिएशन है इनको हम कहते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है जी, इनको नॉर्मली कहा जाता है बैकग्राउंड रेडिएशन। तो इस पूरे सीन को हम कहते हैं क्या है, डिटेक्टर बोलते हैं, पेपर में आता भी है नेम द सूटेबल डिटेक्टर, तो आप लिखेंगे काउंटर कनेक्टेड टू गीगर मुलर ट्यूब इज द डिटेक्टर ऑफ रेडियोएक्टिविटी, यानी रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब बाज बच्चे पूछते हैं कि सर ये बैकग्राउंड काउंट क्यों आते हैं, मतलब आप अपने घर में भी लाके काउंटर कनेक्टेड टू गीगर मुलर ट्यूब को आप ऑन करेंगे ना अपने घर में रख के, अपने कमरे में रख के, जब भी कुछ ना कुछ काउंट आने लगेंगे, तो ये बैकग्राउंड काउंट आते क्यों हैं, इसकी वजह है बहुत सारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर करीब में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन आ सकती है। अच्छा हवा में एक गैस होती है रेडॉन, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, तो रेडॉन इन एयर की वजह से भी आती है बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक रेज जो सूरज से आ रही होती है उनकी वजह से भी बैकग्राउंड रेडिएशन आती है। और अंडरग्राउंड जैसे अगर जमीन के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है तो अंडरग्राउंड रिजर्व्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनकी वजह से भी बैकग्राउंड रेडिएशन आ सकती है। अच्छा इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपने वेस्ट या लेफ्ट ओवर डाला हुआ है कहीं, तो उसकी वजह से भी बैकग्राउंड काउंट आ सकता है। यानी कि बैकग्राउंड काउंट का मतलब है कि सराउंडिंग में जो रेडिएशन है उनका जो सम होता है उसको हम बैकग्राउंड काउंट कहते हैं, और फिर हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके पास प्लेस किया तो हमारा काउंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये काउंट्स ज्यादातर कैसे होता है, 1050 काउंट्स पर सेकंड होता है या पर मिनट होता है, ठीक है, तो ये इतने काउंट्स पर सेकंड या पर मिनट इसके अंदर आ रहे हैं, और 50 इज द बैकग्राउंड रेडिएशन। और बैकग्राउंड रेडिएशन की कॉजेस क्या है, जैसे अगर किसी का घर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास है, जैसे कैनप वगैरह के आसपास कोई रहता है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की मौजूदगी की वैसे बैकग्राउंड काउंट आ सकते हैं, या रेडॉन ज्यादा है जो एयर है उसमें थोड़ी रेडॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव गैस, और कॉस्मिक रेज है। अच्छा इसकी एक और वजह भी होती है हिस्टोरिक न्यूक्लियर अटैक, जैसे
हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम मारे थे, न्यूक्लियर बम ना, दूसरी जंग में, दूसरी वर्ल्ड वॉर में, तो उस पे आज भी बैकग्राउंड काउंट बहुत हाई आता है, कई कई हजार आता है, हिस्टोरिक न्यूक्लियर अटैक्स। अगर 10 साल भी 20 साल पुराने अगर कभी न्यूक्लियर अटैक हुए किसी इलाके में, तो वहां पे भी बैकग्राउंड काउंट बहुत ज्यादा आएंगे। तो बैकग्राउंड काउंट की ये कॉजेज हैं, अक्सर पेपर में पूछता है, तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हमें आगे क्या सीखना होगा? आगे हमें प्रॉपर्टीज सीखनी है, मेजरली मेजरली हमें प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। इंशाल्लाह इसकी बात फिर मैं अगली क्लास में करता हूँ। ये देखिए बेटा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें, ये जो बैकग्राउंड काउंट वगैरह, इसके अंदर ये ज्यादातर फैक्चुअल बेस्ड है और याद करने की चीज